हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, अपनी साइंस की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं साइंस का पार्ट 2 लेके आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। नेक्स्ट है, अदिश राशि क्या है या अदिश राशि कौन सी है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और बल आघूर्ण में परिमाण और दिशा दोनों होती, संवेग में भी दोनों होता है, उपरोक्त सभी हमारा हो नहीं सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, संवेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आयतन, ऑप्शन नंबर डी। बल सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा होता है, वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो बताइए इसमें सदिश राशि कौन सी है? वेग है, द्रव्यमान है, समय है या लंबाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग सदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय भी अदिश है और लंबाई भी अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है व्युत्पन्न परिमाण, जो स्वतंत्र राशियां होती हैं उनसे जो मिलकर बनाया जा उनसे मिलकर बनी हुई राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही सूत्र होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, संवेग होता है m इंटू में v, और वेग होता है हमारा v, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा m, यानी कि द्रव्यमान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, तो बताइए फ्रेंड्स, दोलनों के आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, या लड़के की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका सही आंसर होगा उसका दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए फ्रेंड्स, कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसका
त्वरण दोगुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वेग को दोगुना कर रहा है, तो वी इज इक्वल टू, यानी कि हमारा 2v हो जाएगा, 1/2 mv2। और जब v बराबर 2v कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा हाफ mv2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, बताइए क्यों होता है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। आपके सामने ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, थर्ड ऑप्शन है दोनों सत्य हैं, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो फ्रेंड्स बताइए यह न्यूटन का कौन सा नियम था, प्रथम द्वितीय या तृतीय, या गैलीलियो का गति विषयक नियम था। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध फल, तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, सेकंड ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन क्या है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो बताइए फ्रेंड्स किस नियम के कारण संभव है। तो इसका सही आंसर होगा तृतीय नियम के कारण संभव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स आपको पता है यह कथन यह न्यूटन का पहला नियम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह कथन न्यूटन का है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है, तो बल की परिभाषा कहाँ से आती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन के गति के पहले नियम से आते हैं, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की दिशा में एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन का पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया आपको न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत ये होगा नहीं, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम फ्रेंड्स जड़त्व का नियम है, और उसी के कारण कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहनी चाहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही कारण होगा विश्राम जड़त्व। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। तो फ्रेंड्स बल किसका किसका गुणनफल है? तो फ्रेंड्स हमें पता है एफ बराबर एम ए, यानी कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी है भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर उसका भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 53 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बढ़ता है, या वही बना रहता है, या 45 अंश अक्षांश तक घटता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बढ़ जाता है, जी का मान बढ़ जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन। तो बताइए फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ पर सबसे अधिक होता है या कहाँ पर समान होता है? तो फ्रेंड्स ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये कार्य हो जाएगा शून्य जूल, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? तो फ्रेंड्स क्योंकि वो धक्का तो दे रहा है लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से
वो कोई काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चलता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए वो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ताकि तेज चल सके, या फिसलने की संभावना कम हो जाए, या फिर शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए? तो फ्रेंड्स वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि? तो बताइए फ्रेंड्स क्यों नहीं गिर रही पीसा की झुकी हुई मीनार? क्योंकि फ्रेंड्स इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि? तो फ्रेंड्स इसका भी वही कारण होता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, जल का आयतन बढ़ जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। डी में तो बी में तो आयतन घट रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी गलत है। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो फ्रेंड्स पहले जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तुम्हारा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। फ़िलहाल आज के लिए मुझे अलविदा कहिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।